माता बहनों में अनियमित मासिक धर्म एक कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार यह समस्या बेहद सामान्य होती है और थोड़ी सावधानी और उपचार से ठीक हो जाती है, लेकिन कई मामलों में बेहद गंभीर बीमारी बन जाती है। ऐसे में इरेगुलर पीरियड्स की समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इससे ग्रस्त महिलाओं को कई प्रकार की समस्याएँ होने लगती हैं। इस समस्या के कई लक्षण हैं जिनसे इसकी पहचान की जा सकती है और समय से इसका इलाज कराकर परेशानी से निजात पाई जा सकती है। सामान्य तौर पर महिलाओं में पीरियड्स 14 से 50 साल की उम्र के बीच होते हैं और यह चक्र महीने में एक बार आता है और 3 से 5 दिन तक रहता है। इरेगुलर पीरियड्स की समस्या इन दिनों महिलाओं को इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि जीवन शैली बहुत तेज हो गई है और वे ना तो खाने पीने को ठीक से ख्याल रख पाती हैं और ना ही पर्याप्त आराम मिल पाता है। यही कारण है कि कई किशोरियों में जल्दी या फिर देर से पीरियड्स शुरू होते हैं। इस अवस्था को ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। आइए जानते हैं अनियमित पीरियड्स के क्या कारण हैं। कई बार हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं जब पीरियड्स होते हैं, जो हार्मोन्स में बहुत अधिक बदलाव होता है। अगर आप नियमित रूप से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं, जिसके कारण शरीर में एस्ट्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है और जिसके कारण पीरियड्स होने में समस्या आती है। यह समस्या केवल किशोरियों को जल्दी या देर से पीरियड शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या भी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि 20 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वे भागती दौड़ती जिंदगी में दफ्तर, घर, बच्चे सभी को संभालने के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। कई मामलों में अनियमित पीरियड्स के पीछे हार्मोन भी बड़ा कारण बन जाती है। वैसे आमतौर पर किसी भी स्वस्थ महिला के पीरियड्स की अवधि 21 से 35 दिन के बीच होती है। इससे ज़्यादा समय लगता है तो उसे हम अनियमित पीरियड्स कहते हैं। इसे सही उपचार और जीवन शैली और खान पान में बदलाव से ठीक किया जा सकता है। अधिक तनाव की वजह से भी अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है और तनाव के कारण भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका सीधा असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन नाम के दो हार्मोन्स पर का सीधा असर ब्लीडिंग में अनियमितता का कारण बनता है। लगातार बीमार रहने या थायराइड की वजह से भी महिलाओं में अनियमित पीरियड की समस्या हो जाती है। ठीक ढंग से खान पान न होने के कारण भी पीरियड्स होने की समस्या आती है। इसके साथ ही ठीक ढंग से डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटी हैं तो ऐसी डाइट खा रही हैं जो कार्बोहाइड्रेट या वजन बढ़ाने के लिए जान जाती है, तो शरीर में कुछ तरह के हार्मोन्स लेवल में परिवर्तन आ जाता है। अनियमित मासिक धर्म की पहली पहचान है यूट्रस में दर्द होना। इसके अलावा भूख की कम लगती है, स्तन, पेट, हाथ पैर और कमर में दर्द, अधिक थकान, कब्ज और दस्त आदि इसके लक्षण हैं। यूट्रस में ब्लड क्लॉट्स का बनना भी इसी का एक लक्षण है। तो ये जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपचार के बारे में। मुलट्ठी और शहद। आधा चम्मच मुलट्ठी का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ चाटना चाहिए। लगभग एक महीने तक मुलट्ठी का चूर्ण लेने से मासिक स्त्राव संबंधी सभी रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है मिश्री। क्योंकि जीवन शैली बहुत तेज हो गई है और वे ना तो खाने पीने को ठीक से ख्याल रख पाती हैं और ना ही पर्याप्त आराम मिल पाता है। यही कारण है कि कई किशोरियों में जल्दी या फिर देर से पीरियड्स शुरू होते हैं। इस अवस्था को ओलिगोमेनोरिया कहा जाता है। आइए जानते हैं अनियमित पीरियड्स के क्या कारण हैं। कई बार हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं जब पीरियड्स होते हैं, जो हार्मोन्स में बहुत अधिक बदलाव होता है। अगर आप नियमित रूप से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं, जिसके कारण शरीर में एस्ट्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है और जिसके कारण पीरियड्स होने में समस्या आती है। यह समस्या केवल किशोरियों को जल्दी या देर से पीरियड शुरू होने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में अनियमित पीरियड्स की समस्या भी अब काफ़ी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि 20 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वे भागती दौड़ती जिंदगी में दफ्तर, घर, बच्चे सभी को संभालने के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रख पाती है। कई मामलों में अनियमित पीरियड्स के पीछे हार्मोन भी बड़ा कारण बन जाती है। वैसे आमतौर पर किसी भी स्वस्थ महिला के पीरियड्स की अवधि 21 से 35 दिन के बीच होती है। इससे ज़्यादा समय लगता है तो उसे हम अनियमित पीरियड्स कहते हैं। इसे सही उपचार और जीवन शैली और खान पान में बदलाव से ठीक किया जा सकता है। अधिक तनाव की वजह से भी अनियमित पीरियड्स की समस्या होती है
और तनाव के कारण भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका सीधा असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये नाम के दो हार्मोन्स पर का सीधा असर ब्लीडिंग में अनियमितता का कारण बनता है। लगातार बीमार रहने या थायराइड की वजह से भी महिलाओं में अनियमित पीरियड की समस्या हो जाती है। ठीक ढंग से खान पान न होने के कारण भी पीरियड आने में समस्या आती है। इसके साथ ही ठीक ढंग से डाइट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटी हैं तो ऐसी डाइट खा रही हैं जो कार्बोहाइड्रेट या वजन बढ़ाने के लिए जान जाती है, तो शरीर में कुछ तरह के हार्मोन से लेवल में परिवर्तन आ जाता है। अनियमित मासिक धर्म की पहली पहचान है यूट्रस में दर्द होना। इसके अलावा भूख की कम लगती है, स्तन, पेट, हाथ पैर और कमर में दर्द, अधिक थकान, कब्ज और दस्त आदि इसके लक्षण हैं। यूट्रस में ब्लड क्लॉट्स का बनना भी इसी का एक लक्षण है। तो ये जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपचार के बारे में। मुलट्ठी और शहद। आधा चम्मच मुलट्ठी का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ चाटना चाहिए। लगभग एक महीने तक मुलट्ठी का चूर्ण लेने से मासिक स्त्राव संबंधी सभी रोग दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है मिश्री मुलट्ठी और शहद। एक चम्मच मुलट्ठी का चूर्ण थोड़े से शहद मिलाकर चटनी जैसा बनाकर चाटने से, ऊपर से मिश्री मिलाकर ठंडा किया हुआ दूध घोट घोट करके पीने से मासिक स्त्राव नियमित हो जाता है। इसे कम से कम 40 दिन तक सुबह शाम पीना चाहिए। यदि गर्मी के कारण मासिक स्त्राव में खून का अधिक मात्रा में और अधिक दिनों तक आता है तो 20 ग्राम मुलट्ठी चूर्ण और 80 ग्राम पीसी हुई मिश्री मिलाकर 10 खुराक बना लें। फिर इसकी एक खुराक शाम को एक कप चावल के पानी के साथ सेवन करें। इससे बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ कुछ सावधानी बरतनी है। मुलट्ठी को खाते समय तले पदार्थ, गर्म मसाला, लाल मिर्च, बेसन के पदार्थ, अंडा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। पुदीना चूर्ण और शहद। पीरियड सही टाइम पर शुरू करने के लिए एक चम्मच पुदीना पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक अक्सर इस उपाय की सलाह देते हैं। कुछ हफ्ते यह नुस्खा करने के बाद सही टाइम पर पीरियड्स आने लगेंगे। अदरक और शहद। अदरक को शहद के साथ खाएं या आधा कप पानी में थोड़ा सा अदरक मिलाकर 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद थोड़ा शहद मिलाएं और खाना खाने के बाद इस मिश्रण का दिन में 3 बार सेवन करें। अदरक की तासीर गर्म होती है जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। यह खास तौर से उन महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिनके पीरियड्स देर से हो रहे हैं या बेहद कम समय के लिए हो रहे हैं। धनिया और दालचीनी। 1 कप पानी में 1 चम्मच धनिया के बीज और दालचीनी पाउडर डालकर उबाल लें। जब आधा कप पानी रह जाए तब इसमें आधा चम्मच पाउडर रॉक कैंडी या अनरिफाइंड चीनी मिला लें। इस पानी का दिन में 2 बार सेवन करें। गाजर का जूस हर रोज पीने से भी पीरियड्स मिस होने और देरी से आने की प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी। नियमित मासिक धर्म करने और हार्मोन्स को बैलेंस करने में गाजर का जूस उपयोगी है। इसके अलावा इसमें शरीर में खून की कमी भी नहीं होती। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखें। मसालेदार खट्टा खाना और भारी भोजन के सेवन से बचें। हल्का खाना खाएं, चाय, कॉफ़ी और ठंडे पेय पदार्थों से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहें मीडिया प्लेयर्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।